प्राचीन मिस्र में एक काल्पनिक कहानी का वर्णन है। एक व्यक्ति बहुत साधना करता है, दिन रात भक्ति करता है और देवताएं प्रकट होते हैं और देवता कहते हैं कि वहां को वरदान क्या चाहिए। वो कहता है, मुझे कुछ ऐसा वरदान चाहिए जो आज तक आपने किसी को नहीं दिया। देवताएं पूछते, ऐसा कौन सा वरदान है? वो कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, आप ही कुछ सोचो, जो वरदान आप आज तक आपने किसी को नहीं दिया होगा, ऐसा अद्भुत अनूठा न भूतो न भविष्यति वरदान मुझे चाहिए। तो देवताएं भी सोचते कौन सा वरदान दे इसे। फिर वो सोचते, हाँ एक वरदान अभी भी है स्टॉक में जो किसी को नहीं दिया है, बड़ा ही अद्भुत वरदान है। और वो वरदान ऐसा है कि तुम चलोगे और तुम्हारी परछाई नहीं होगी। तो आदमी सोचता है, अरे वाह, ऐसा तो आज तक मनुष्य इतिहास में कभी हुआ नहीं कि मैं चलूं और मेरी परछाई नहीं, लोग तो मेरे चरणों में आके गिरेंगे, मेरी कैसी वाह वाह और महिमा होगी। वो कहता है, मुझे यही वरदान चाहिए। देवताएं कहते हैं, तदास्तु। और वो इतना खुश हो जाता है कि मैं मनुष्य जाति का एकमात्र पुरुष कि जब चलूं तो कोई परछाई नहीं, तो बहुत खुश हो जाता है। अपने गांव पहुंचता है, लोग देखते आदमी तो वही है पर परछाई कहां है, लोग डरने लगते हैं, ये तो कुछ और ही है। रास्तों से गुजरने लगता है, लोग अपनी दुकानें बंद करते हैं क्योंकि परछाई है ही नहीं, ऐसा तो केवल भूतों के बारे में सुना था, कहीं ये भूत तो नहीं है। अपने घर पहुंचता है, पत्नी डर जाती है, बच्चे पीछे भाग जाते हैं, कहते ये कौन आ गया। पत्नी कहती है, तुम लगते तो वही हो परंतु परछाई है नहीं, खतरा मैं लेना नहीं चाहती, कृपया आप जो भी हो यहां से चले जाए। तो वहां से निकलता है और जहां जाता है लोग घबराते हैं, भागते हैं भूत, क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था, उसने तो कुछ और ही सोचा था। तो वहां पर आत्मा थी और परछाई थी, आत्मा थी और परछाई खो गई थी। मनुष्य जाति के साथ कुछ उल्टा हुआ है, परछाई है और आत्मा खो गई है। परछाई है और जो रियल है वो खो गया। आज का मुरली में कहा ना, बाप ही एकमात्र क्या है मंजूबेन, बाकी सब वर्थ नॉट अ पेनी, बाकी सब आर्टिफिशियल, एक बाप ही रियल है बस, सच है, सच बनाते हैं, सच सुनाते हैं। तो मनुष्य जाति में, मनुष्य के इतिहास में परछाई रह गई है और आत्मा खो गई है। ये परछाई अहंकार है, ये परछाई अहंकार है। और तीव्र पुरुषार्थियों के जीवन में भी, महान आत्माओं के जीवन में भी, जो समय के प्रति जागृत है, जो समय के प्रति जागृत है, जिन्हें पता है हमें करना क्या है, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के अंदर भी कभी कभी ये अंधकार, ये अहंकार का भूत की छाया आ जाती है। आज दो महत्वपूर्ण दिवस है, एक तो बाल दिवस जिनका संबंध बच्चों से है, और आज और एक दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। बहुत पहले 1921-22 में
एक व्यक्ति था फ्रेडरिक बेंटिंग, उसने अपने एक स्टूडेंट के साथ चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर पहली बार मानव इतिहास में डायबिटीज के ऊपर जो दवाई है इंसुलिन उसकी खोज की थी 1921-22। और तब से उसका जो बर्थडे है फ्रेडरिक बेंटिंग का 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे करके सेलिब्रेट किया जाता है जो कि आज है। उसमें भी एक रहस्यमय घटना है कि वो तो बैठा था और उसको कहा गया कि तुमको एक थीसिस लिखना है, एक कुछ आर्टिकल लिखना है डायबिटीज के विषय में, और वो सोच रहा था पढ़ रहा था और अचानक से जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड वहां एक्टिव हुआ और उसके मन में संकल्प आया कि क्यों ना जो कुत्ते हैं उनके शरीर में जो ग्लैंड है वहां से कोई द्रव्य निकाला जाए। और फिर वो और उसका जो डिसाइपल या उसका स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट दोनों मिलकर बहुत काम करते हैं इसके ऊपर और अल्टीमेटली सक्सेस हो जाते हैं वो एक्सट्रैक्ट करने को। बाद में वो प्यूरिफाई होता है, बहुत सारी कहानी है। और पहला लड़का थॉमसन लुडविक 14 साल का जिसको डायबिटीज था और अब मरने ही वाला था, फर्स्ट टाइम मनुष्य इतिहास में उसको वो इंसुलिन दिया जाता है और वो बच जाता है। और तब से सारे विश्व में खबर फैल जाती है कि डायबिटीज जिसका इलाज आज तक नहीं था उसका इलाज पहली बार मनुष्य इतिहास में पता चला, मिल गया। फिर ये जो इंसुलिन था उसको धीरे 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 बहुत रिफाइंड किया गया और अभी तो अलग अलग प्रकार के ढेर सारे इंसुलिन है। पर एक समय था कि जिसको भी डायबिटीज हो जाता था मरण निश्चित था पहले, क्योंकि पता ही नहीं था उसका इलाज कैसे करे। इतिहास में ऐसे कितने सारे लोग हुए हैं जिनकी मृत्यु डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन से हुई है। मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज ब्रेन हेमरेज। सो ये जो डायबिटीज है एक घातक रोग है, पर हम उस डायबिटीज की आज चर्चा नहीं करने वाले जो शरीर का है। हम एक दूसरे मधुमेह की चर्चा करने वाले हैं, पुरुषार्थी जीवन का मधुमेह। किसकी चर्चा करने वाले हैं हम? पुरुषार्थी जीवन का मधुमेह। उस मधुमेह में, उस डायबिटीज में क्या हो जाता है? शुगर बढ़ जाती है और उसके ढेर सारे जटिलताएं कॉम्प्लिकेशंस होती है। सारे विश्व भर में आज की तारीख में 2018 42.5 करोड़ लोग को डायबिटीज है। 42.5 इतने लोगों को डायबिटीज है। टोटल 700 करोड़ लोग अगर है विश्व भर में तो उसमें से इतने लोगों को डायबिटीज है। भारत में 6.2 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, वो होता है भारत की जनसंख्या के आधार से 7.1% लगभग। इसमें से हर साल 10 लाख लोग डायबिटीज के वजह से भारतीय मरते हैं। और एक आंकड़ा है कि हर दो व्यक्ति अगर डायबिटीज है तो उसमें से एक को पता है और दूसरे को पता ही नहीं कि मुझे है, अनडायग्नोस्ड, और चल रहा है वैसे ही, जाता भी नहीं और कोई जांच भी नहीं कराता। अचानक एक दिन पता चलता है, कुछ और करने जाते हैं वहां पता चलता है 400 शुगर। अब एक हफ्ते में हमारे पास ऐसे एक या दो लोग आते हैं कि जिनको पता ही नहीं था, जो कुछ और काम से आए थे, आंख का ऑपरेशन कराने आए थे तो ये निकल गया बीच में। कोई लोग डर के मारे कि कुछ निकल ना जाए इसलिए कभी कोई जांच नहीं करते, क्योंकि हमेशा एक डर है कि कोई कुछ निकल ना जाए। कुछ निकल गया तो पहले आराम से ठीक ठाक जीवन चल रहा है, कोई बीमारी फंस जाएंगे तो। और एक अनुमान है जो भारत के लिए कि अभी 6.2 करोड़ लोगों को
डायबिटीज है 10 करोड़ से भी ज्यादा 2035 तक चला जाएगा यह आंकड़ा। 2035 तक 10 करोड़ से को क्रॉस करेगा। तो ये विश्व की राजधानी है भारत, भारतीयों का खान पान और भारतीयों की जेनेटिक प्रकृति ऐसी है कि फट से यहां बहुत ज्यादा है। इसके लिए वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है भारत को। तो सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स यहां, पहले चीन पर अभी भारत। तो ये तो हो गया शरीर का डायबिटीज जिसमें शुगर बढ़ जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर हम ये वाले चीज की चर्चा यहां नहीं करेंगे, हम कोई और चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी जीवन का मधुमेह क्या है। मधुमेह बड़ा पुराना शब्द है, आयुर्वेद और सब में इसका वर्णन मिलता है, कोई नई बीमारी नहीं है। इसका पता भी ऐसे चला कि कोई पेशाब करता था तो उसमें मिठास होती थी, चींटियां आ जाती थी उसमें, तब पता चला कि ये ऐसी भी कोई बीमारी है। तो हमने बात कही थी अहंकार की, उधर शुगर बढ़ता है और तीव्र पुरुषार्थी के जीवन में अहंकार। ये अहंकार उस शुगर की तरह है जो बहुत जब बढ़ जाता है तो तीव्र पुरुषार्थी जीवन में बहुत सारी चीजें होने लगती है, जटिलताएं, सिम्टम्स, बातें। तो ऐसी हम 10 बातें देखेंगे। उधर वो डायबिटिक पेशेंट, इधर तीव्र पुरुषार्थी डायबिटिक पेशेंट, उधर शरीर का डायबिटीज, इधर मन का डायबिटीज, उधर शुगर, इधर अहंकार, उधर इंसुलिन, इधर निमित्त भाव। वो इंसुलिन जो होता है शुगर को कंट्रोल करता है, इधर निमित्त भाव इस शुगर, इस अहंकार को कंट्रोल करता है। अगर ये अहंकार, अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो शुगर बढ़ेगी, अहंकार नए नए रूप धारण करेगा। तो क्या इस ब्राह्मण जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसी बीमारी आ सकती है कि प्राप्तियों का ही अहंकार हो जाए? उस दिन हमने देखा घमंड की मंडी, बहुत सारी बातें थी उसमें। सबसे पहले तो शरीर के सौंदर्य का, शरीर की क्षमता का, शरीर के संबंध का अहंकार, धन का अभिमान अहंकार, प्राप्तियों का अहंकार, विशेषताओं का अहंकार, पद पोजीशन का अहंकार, नाम मान शान का अहंकार, ढेर सारी लिस्ट है अहंकार की। और वो कब आ जाती है हमारे अंदर, हमें नहीं पता चलता। और हम ये भूल जाते हैं कि हम है कौन, और छोटी छोटी हमने जो प्राप्तियां की है, छोटी छोटी हमारे पास जो बातें हैं, उनको ही लेकर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। सम्राट अकबर था, उसने सोचा था कि दिल्ली को राजधानी ना बनाया जाए, कोई दूसरी राजधानी बनाई जाए। तो उसने आगरा के नजदीक एक जगह है फतेहपुर सिकरी, सोचा इसको राजधानी बनाओ। और वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो अब भी है, बुलंद दरवाजा जिसको कहते हैं, वहां पे एक पुल है। और उसने सोचा इस पुल पर मैं कुछ ऐसी चीज लिखूं जो सदियों के लिए लोगों को याद रखे। और सारे अपने नवरत्न और बाकी लोगों को बुलाया क्या किया जाए। तो किसी ने सजेस्ट किया कि बाइबल की एक बात, क्रिश्चियन धर्म की एक बात यहां पर लिख दो इस पुल के ऊपर। वो कौन सी बात थी जो कि बाइबल में नहीं थी पर दूसरे सोर्सेस से क्रिश्चियन धर्म की बात थी? उसमें मदर मेरी जीसस क्राइस्ट को कहती है कि ये संसार एक पुल है, द वर्ल्ड इज अ ब्रिज, वॉक ओवर इट बट डू नॉट मेक योर हाउस ऑन इट। ये संसार क्या है, एक पुल है, इस पे चलो पर घर मत बना देना वहां पर, क्योंकि घर बनाना तो अहंकार आएगा फिर, मेरा घर। इस संसार के पुल की तरफ से चले जाओ चुपचाप, घर बनाकर बैठ मत जाना वहां पर, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार को का विस्तार करता है धीरे धीरे धीरे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये ऐसा। इसके लिए गेस्ट होकर रहना, अभी हम यहां है, थोड़ी देर के बाद
चले जाएंगे, यहां का कुछ भी मेरा नहीं है, यहां का कोई भी व्यक्ति मेरा नहीं है, हम यहां आए हैं थोड़े समय के लिए और यहां से लौट जाएंगे। तो वो जो डायबिटीज है उसके 10 लक्षण है, और ये जो डायबिटीज है अहंकार का डायबिटीज, अहंकार का मधुमेह, इसके भी 10 लक्षण है। सबसे पहला लक्षण पॉलीफेजिया, बहुत भूख बढ़ जाती है। क्या होता है उधर? भूख बहुत लगती है। कई बार मरीज इसीलिए आता है कि डॉक्टर साहब क्या करूं, दिन रात खाऊं खाऊं, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख पहले कभी लगती नहीं थी। पॉलीफेजिया इसको कहते हैं, बहुत भूख लगना, इसी से पता चलता है। इधर पुरुषार्थी जीवन में भी बहुत भूख लग जाती है आगे बढ़ते बढ़ते, और भूख है पद की, और भूख है महिमा की, और भूख है सत्ता की। कौन सी भूख लगती है इधर? मुझे सत्ता। कब तक हम छोटी टीचर बनकर रहे, हमें इंचार्ज बनना है। कब तक हम ऐसे बड़ी जगह पर दूसरों के साथ मिलके काम करें, हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए जिसमें हम बॉस हो। कब तक इस डिपार्टमेंट में काम चले, काम करेंगे? ये इतनी सूक्ष्म भूख है। छोटे जो है उनको पद की भूख है, और जो ऊपर है वो आपसी संघर्ष में व्यस्त है, तेरे मेरे में। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के जीवन में ये पड़ाव भी आएगा, पॉलीफेजिया, भूख। इस भूख की व्यर्थता को समझ लेना कि इस संसार का कोई भी पद और कोई भी पोजीशन आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकेगा। यहां का कुछ भी आत्मा को नहीं भरता है, चाहिए और चाहते ही मिलते ही वो व्यर्थ हो जाता है। यह स्वभाव है चीजों का, वस्तुओं का, पद का, पोजीशन का। सारी लड़ाई ही कई लोग इसी पद के लिए और पोजीशन के लिए करते हैं। ऐसी भूख है ये जो कभी शांत नहीं होती है, और ये अहंकार की भूख है। अहंकार की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि अब उसका ये सिम्टम है, उसके आसार बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, यदि ये हमारे जीवन में हो रहा है तो शायद डायबिटीज ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अनकंट्रोल्ड शुगर अपनी हदें पार कर रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स या तो इंसुलिन को लाना पड़ेगा, और कहा कि इंसुलिन जो है वो है निमित्त भाव, उसको बढ़ाओ, गोली काम नहीं करेगी। गोली का काम पूरा हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह पद की भी हो सकती है या किसी भी तरह की, इस तरह की भूख। आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होती है संसार की किसी भी चीज से। इस सिद्धांत को गहराई से समझ लेना है। आत्मा की प्यास, भूख केवल उस परम के द्वारा ही शांत हो सकती है। तो सब वो आगे। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, बहुत प्यास लगती है डायबिटिक पेशेंट को, बहुत प्यास। यहां कौन सी प्यास? मान की, नाम की और शान की। पहले बताया पद और सत्ता की भूख, सत्ता चाहिए, और जो सत्ता पे है अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है, और उसका भय है, क्योंकि कई लोग आग गड़ाए बैठे हुए हैं कि ये जाए और सत्ता हमारी झोली में आ जाए। उसके लिए उसके लिए योग भी चालू है शायद सूक्ष्म में, पर भाग दुर्भाग्य ऐसा कि दिन प्रतिदिन जवानी होते जा रहा है ये तो, और ये रिपोर्ट्स नॉर्मली नॉर्मल रहते हैं। कभी कभी हम खुद ही पहले चले जाते हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि बाबा ने मुझे कम नीचे क्यों रखा है, जहां मैं हूं
इसका मतलब डिवाइन प्लानिंग पर मेरा निश्चय नहीं है। द मास्टर प्लान जो है भगवान का, हम सोचते हैं ये इतना आगे क्यों, मैं पीछे क्यों, मेरा पार्ट ऐसा छोटा क्यों, इसका पार्ट ज्यादा क्यों। अरे ज्यादा कुछ नहीं है, सबके हिसाब चुकतू हो रहे हैं। एक आत्मा है ज्यादा सेवा कर रही है, उसके ज्यादा हिसाब है उन आत्माओं के साथ। इसमें एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, मैं यहां बैठा हूं छोटी सी जगह पे, अच्छा है तपस्या करो। मास्टर प्लान जो है डिवाइन प्लानिंग में डाउट नहीं करना। आज कहा है बाबा ने, तीनों में निश्चय चाहिए, स्वयं में, बाप में और ड्रामा में। अपनी कमजोरियों का नहीं सोचो, अपनी विशेषताओं का सोचो, अपनी विशेषताओं को और ज्यादा निखारो। दूसरी बात है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया अर्थात बहुत प्यास। देखना है मुझे कौन सी प्यास है, कहीं विकार की प्यास तो नहीं है, क्या संसार के मनोरंजन की प्यास तो नहीं है, डिजिटल प्यास तो नहीं है, जो पुरुषार्थ का अपहरण कर रहा है। ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, अरे पुरुषार्थ कब करेंगे। छोटी छोटी चीजों का अहंकार है। किसी पुरुष को पूछा जाता है, किसी पिता को, आपके बेटे क्या करते हैं, तो एक कितना उसको गर्व होता है, एक इधर है अमेरिका में, एक उधर है इंजीनियरिंग कर रहा है, एक उधर है। उस छोटे से अहंकार में फंसे रहता है, जबकि सत्यता कुछ और है। वृद्धाश्रम में लोग वहां रहते हैं उसी शहर में जहां उनके बेटे रहते हैं। यह क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, क्यों अभी तक मोह का इतना विस्तार, घोष्ट है मोह। जब ऐसे समझ आ जाएगी कि एक परमात्मा के अतिरिक्त सब वर्थ नॉट अ पेनी, आज की मुरली में है, सब व्यर्थ है, एक गॉड अलोन इज रियल, ऑल एल्स इज अनरियल, तो ही मोह जाता है, तो ही अच्छे लगते हैं ये लोग संसार के। एक की तरफ आकर्षण हो जाए तो ये प्यास मिट जाए और ये जो अहंकार का मधुमेह है वो समाप्त हो जाए। तीसरा है पॉलीयूरिया। बहुत पेशाब आती है कभी कभी, नॉर्मल तो 3 लीटर से ज्यादा, तभी पता चलता है, तभी डॉक्टर के पास जाते। और इस पॉली यूरिया की वजह से बड़ा दुखी होता है व्यक्ति। वैसे ही अहंकारी व्यक्ति भी बड़ा दुखी होता है अपने ही कृत्यों के कारण। जो कुछ करता है वो दुख ही पाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अपूर्ण रहती है। उसको कुछ मिल भी जाए तो भी दुखी होता है, पाने के बाद भी दुखी, न पाता है तो भी दुखी। विदेश के एक मनोवैज्ञानिक या फिर दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने एक जगह लिखा है कि दो प्रकार के दुखी लोग हैं, एक तो वो जिनको मिल नहीं रहा है जो वो चाहते हैं, और दूसरे वो जिनको मिल गया जो वो चाहते थे। और जो दूसरे प्रकार के दुखी लोग हैं ज्यादा दुखी है, जैसे लैला और मजनू, मिली नहीं, एक दूसरे से नहीं मिले। सोचो अगर ये इसके लिए प्रसिद्ध है, अगर उनकी शादी हो गई, अगर मिल गए होते तो शायद तलाक हो गया होगा था झगड़ों की वजह से। तो जो चीज मिल जाती है वो व्यर्थ हो जाती है, नहीं मिली तो आकर्षण रहता है। जैसे भक्ति में कैसा आकर्षण है भगवान का, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ज्ञान में आने के बाद रोज रोज बाप तुमको बैठ पढ़ाते हैं, बाप तुमको बैठ पढ़ाते हैं, 10 साल से सुन रहे, कोई असर ही नहीं हो रहा है उसका। हाँ ठीक है पढ़ाते हैं, पढ़ाओ। कोई उसमें क्या बड़ी बात है, भगवान तुमको स्वयं बैठ पढ़ाते हैं, उसका काम ही है। कोई असर होना ही कम हो गया है, बंद हो गया है। तो तीसरी चीज है दुख। जैसे वो पेशेंट दुखी रहता है रात भर, वैसे अहंकारी व्यक्ति भी दुखी होता है, क्योंकि उसका अहंकार कभी तृप्त नहीं होता है, अतृप्त रहता है,
अप्राप्त रहता है, पाकर भी अनपाया, मिलकर भी अनमिला रहता है भगवान। ये तीसरा, तीसरा चौथा भी आ रहा है। थकान, थकान रहती है, कमजोरी रहती है पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट आता ही इसलिए है कि मुझे बहुत थकान लगती है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। पहले जो एनर्जी लेवल था अभी एकदम कम हो गया, पहले इतना भाग भाग के सेवा करती थी, अभी पता नहीं थोड़ा भी सेवा करो तो थकान आ जाते, तो जांच करते तो ये निकलता है। फिर तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के अंदर जब अहंकार होता है, ये अहंकार उसको इतना दौड़ाता है, इतना दौड़ाता है, इतना दौड़ाता है पागलों की तरह कि वो भी थक जाता है। किससे थक जाता है? पुरुषार्थ से ही थक जाता है, टाइम ही नहीं है पुरुषार्थ करने को। बाकी चीजें इतनी ज्यादा हो गई विस्तार की, यहां भी जाना है वहां भी जाना है, वहां तो मेरा नाम होना ही चाहिए, कैंडल लाइटनिंग में नाम तो ही तो दिखूंगा सबको कि हम भी कुछ है, हमारी भी जड़ें बहुत गहरी है, हम भी लोगों को जानते हैं, हमारी पहुंच बड़ी ऊंची, हम बड़े ऊंचे लोग हैं पहुंचे हुए। तो ये अहंकार का विस्तार है कि जिसमें व्यक्ति ये सब करते करते उमंग उत्साह से भरेगा या थकान होगी, क्योंकि ये सब देहभान है। आज की साकार मुरली देहाभिमान क्या करता है? रुलाता है, तो थकेगा और रोएगा, चिल्लेगा, चिल्लाएगा, बहुत थकान रहेगी। स्पिरिचुअल फटीक, शरीर का थकान नहीं है, आत्मा की थकान है। आत्मा थक गई है, भगवान कहता है रात के राही थक मत जाना, पर आत्मा थक गई है। भगवान कहता है ये दूध पियो, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मुंह फेर लेते हैं बाप से, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान दूध पिलाने। हाँ माजून डाल के देते बाबा, चोप चीनी डाल के देते, फिर भी नहीं पीते। दूध पियो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी बताया आज की मुरली में, बारूद है। तो थकान, यदि पुरुषार्थ में थकान आ गई है, सूक्ष्म अहंकार है। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो, इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। यदि थक गए हैं और सोचते हैं यहां पे सब ठीक नहीं है, सब शत्रु है, शायद अहंकार बहुत ज्यादा है अंदर, तो यहां पे मैं का शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए यहां पे थोड़ा इंसुलिन का ज्यादा डोज लगाना पड़ेगा आशीष भाई, इंसुलिन का, निमित्त भाव का, निरंकारिता का, ह्यूमिलिटी का, नम्रता का। फिर है पांचवा, पांचवे में वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनको कोई घाव हो गया तो जल्दी भरता नहीं है, शुगर बहुत रहती है शरीर में, ये अहंकार ही जो डायबिटीज है, अहंकार का जो डायबिटीज है, इसमें भी अगर किसी ने थोड़ा भी अपमान कर दिया कि फिर वो जन्म भर याद रहता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। घाव, अंतर्मन के गहरे जख्म अभी तक भरे नहीं है, हम गए थे तो हमारे आव भगत नहीं की थी, हमको पूछा नहीं था, घाव भरे नहीं है, और हर हृदय में कुछ घाव है, बहुत गहरे जख्म, अनहीलिंग वुंड। अपने आप को देखना है कि मेरे हृदय पर कौन से घाव है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति गहरी नफरत की भावना है कि इस व्यक्ति ने हमें सहयोग नहीं दिया था, इस व्यक्ति ने मेरे विषय में यह कहा था, इसने कलंक लगाए थे, अभी कितना भी अच्छा है परंतु उसके वो शब्द अभी भी याद है। जबान जो घाव करती है और तलवार जो घाव करती है, गहरे कौन से? तलवार के घाव तो भर जाएंगे, पर ये जो जबान ने किए हुए घाव है, अभी तक ड्रेसिंग चालू है, अभी तक इंजेक्शन लगा रहे, अभी तक पट्टी लगा रहे, पर घाव तो और ही हरा हो रहा है,
हील ही नहीं होता है। सब कर लिया, माफ भी कर दिया उस आत्मा को, परंतु घाव अब भी है, नासूर। अनहीलिंग बुंड, घाव अगर हो जाए तो वहां हील नहीं होते, यहां पर भी अहंकार के जो घाव है बड़े गहरे हैं, बड़े गहरे। शुगर लंबा समय तक कंट्रोल में चाहिए, तो फिर धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस चालू होगी, और फिर बहुत सारी और भी चीजें करनी पड़ेगी, उसकी ड्रेसिंग और दवाइयां, तो जाके हील होगा ये घाव, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में छठवा, हाँ ये एक दूसरी बात है, ये तो ज्यादा आगे की बात बता दी आपने। घाव भरता नहीं तो गैंग्रीन हो जाता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, पूरा पैर ही काटना पड़ता है, कभी कभी उंगली काटते हैं अगर छोटा सा यहां है तो, इससे पहले कि और बढ़ जाए तो, कभी उंगली बिलो नी अबो नी, बिलो एंकल बिलो अबो एंकल एम्पुटेशन काट दिया जाता है, ये भी होता है। हाँ आज सब लोग जांच करा लेना जिन्होंने की नहीं, दोनों वाली जांच, एक तो अहंकार के शुगर की जांच और बिफोर एंड आफ्टर। अहंकार वाली ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये जो है ना ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल, यज्ञ ही एक हॉस्पिटल है, यहां होती है भगवान के दर पर, भक्तों की भीड़ लगेगी यहां बाद में। फिर इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं उस डायबिटीज में, सिक्स्थ नंबर है संक्रमण जो है बहुत जल्दी होता है डायबिटीज पेशेंट को, बाकी लोगों में प्रतिकार शक्ति ज्यादा होती है पर डायबिटिक्स पेशेंट में इन्फेक्शन बहुत फास्ट होते हैं। उसी तरह अहंकार का जो मधुमेह है उसमें भी किसी ने कुछ कहा मूड ऑफ, किसी ने कुछ बोल दिया उदास, छुई मुई टच मी नॉट फीलिंग देवी, मुझे कोई कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी ने कह दिया तुमने ये ठीक नहीं किया, बस अब बात नहीं करेंगे दो दिन, वो उधर हम इधर, किसी ने कह दिया तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, तुम ही लगाओ हम नहीं लगाएंगे कल से। एक दूसरों के बीच मन मटाओ, इसने ऐसा किया ही क्यों, कहा ही क्यों, छोटी सी परिस्थिति क्या आ गई, हिल गए। आज की मुरली में कहा बाबा ने निर्भय बनो, विनाश केवल तुम ही देख सकते हो, जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में कोई कोई गिरता है देखता है तो घबरा जाता है, त्राही होगी, तुम देख पाओगे क्योंकि तुम निर्भय हो। स्वयं को अंदर से शक्तिशाली बनाना है, ये छुई मुई और रोने वाली क्राइंग डॉल नहीं बनाना है, बात बात में रोना, शस्त्र ही बना के रखा है रोने को, डर लगता है बाजू बाजू वाले साथ वालों को रहने में, इसको कुछ बोलना मत बाबा, पता नहीं ये कब रो पड़ेगी। हाँ फायदा तो है पर अंदर से आत्मा तो खाली हो जाती है, रोना प्रूफ, कुछ भी हो जाए, मम्मा ने मम्मा एक ही बार मम्मा रोई थी और बाबा ने एक दिन बोल दिया कि अब बंद आंसू, उसके बाद में कभी आंसू नहीं आए मम्मा के आंखों से। ये रोना बहादुरी की निशानी है या कमजोरी की, हाँ वो आंसू अलग है परमात्मा प्रेम के, उसकी बात नहीं कर रहे हम, वो तो अलग होते हैं थोड़े, वो बड़े रेयर है, वो आ जाए तो अहो भाग्य, भगवान के लिए कोई रोए, संसार के लिए रोते हैं, व्यक्तियों के लिए रोते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, भगवान कहता है तुम महान आत्मा हो, वो कहते हैं तुम मूर्ख हो, और हम रो पड़े, किसको ज्यादा महत्व दिया, उनको कि भगवान को, भगवान कहते तुम जहान के नूर हो, वो कहते तुम मूर्खाधिराज हो। हमको ऐसा क्यों कहा, हम क्या ऐसे है क्या, हम नहीं बात करेंगे, जाओ हम रोएंगे, रोने से हमको अच्छा लगता है, निकलता है पूरा अंदर से। दो दिन तक रोने का प्रोग्राम, कितना दिन का बनाती है बहने वैसे रूटीन, कितना दिन का होता है एवरेज? कितना दिन का प्रोग्राम, सही में पूछ रहे हैं, भाइयों का तो कम ही होता है थोड़ा, भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अंदर के रोते रहते वो चलो दूसरा है, पर बाहर अंदर से रोते रहते। ना अब नहीं होता पहले तो, पर अभी भी कई लोगों का होता है। रोना कमजोरी की निशानी है। रोना अर्थात ज्ञान को समझा नहीं है, रोना अर्थात उदासी। तो 6 नंबर में क्या बताया, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। 7 नंबर, डायबिटीज पेशेंट्स को स्किन जो होती है उनकी खुश्क होती है, ड्राई होती है और खुजली बहुत आती है, ड्राई स्किन हो जाती है उसमें। ये एक सिम्टम्स है, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड इंक्रीज इचिंग। अहंकार के मधुमेह में भी ड्राइनेस आ जाती है जीवन में, सब सब खाली सूखापन। क्या करे अमृत वेला, वही तो है अमृत वेला। और क्या क्लास भी तो ये छोड़ो, जो नए है ना वो लोग सुने क्लास, हम लोग तो क्लास से परे है। क्लास भी ये सब छोटी चीजें है, हमारे लिए नहीं होता है ये सब। हम तो कहां, वो जमाना हमारा 2 बजे उठ के हम कहां योग करते थे। अरे पर अब क्या हुआ, अब वो यादें रह गई, भूली बिसरे बिसरी यादें, पुरानी यादें पुराने जमाने की। अभी वो सब कुछ रहा ही नहीं, जीवन इतना डल एंड ड्रैब, कुछ उमंग उत्साह ही नहीं है। ना तो अमृत वेले का उत्साह है, ना तो मुरली के चिंतन का उत्साह है, ना तो कुछ नवीनता का उत्साह है। सेवा वही प्रकार की सेवा कर रहे हैं जैसे अब तक कर रहे थे। उस सेवा में कोई सोच ही नहीं रहा है कि कुछ नवीनता भी की जाए, कुछ नया प्रोग्राम करे, जो ऐसी चीज करे जो आज तक नहीं की है सेवा केंद्र पर, मधुबन में या कहीं पर भी। वही 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 सेम पैटर्न चल रहा है। और जहां वही वही चीज रहेगी वहां डल ड्राइनेस होगी, रूखापन होगा, निरसता होगी। इसके लिए जीवन नित्य नया है, हर दिन नया चीज चाहिए। जो अमृत वेला सुबह आज किया वो कल दूसरा हो, जो अमृत वेले योग का प्रयोग सुबह किया नुमा शाम कुछ और प्रयोग हो, जो आज चिंतन किया कल का चिंतन उससे ज्यादा प्रखर अच्छा प्रगाढ़ प्रगल्भ हो, जो अवस्था आज थी कल की अवस्था उससे ज्यादा तीव्र। पुरुषार्थ की क्या परिभाषा दी है बाबा ने, 1 सेकंड पहले जो स्थिति थी अभी स्थिति आगे हो, ये पुरुषार्थ की परिभाषा दी है एक वरदान में। तो उस डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है, ड्राइनेस। इस डायबिटिक पेशेंट को क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा है कि मैं और दूसरों से सीखूं, हम कोई लिंबू टिंबू है क्या कि इनसे सीखे, हम भी महारथी है। ये अहंकार निरंतर सीखते रहना है अंत तक। छोटा सा बच्चा हमको सिखा सकता है कुछ ऐसी बात जो कोई बड़ों ने भी नहीं सिखाई हो, छोटा सा बच्चा कुछ ऐसी बात हमको सिखा दे। जैसे एक सूफी संत जा रहा होता है, वो देखता है एक छोटा सा लड़का दिया लेके जा रहा है मंदिर में, उसको लगता है चलो इसकी थोड़ी सी चुटकी ले, और वो उसको पूछता है इधर आओ। वो पूछता है दिया कहाँ ले जा रहे हो, वो कहता है मंदिर में। वो पूछता है कि ये जो दिए की ज्योति है ये बताओ ये दिया कहाँ, ये ज्योति कहाँ से आई। सोचने लगता है लड़का कहाँ से आई होगी ज्योति, तो ज्योति कहाँ से आई मतलब वो तो उत्तर ही नहीं है इसका। तो वो बच्चा दिए को फूंक देता है, वो कहता है जहां गई ना वहीं से आई थी जहां ज्योति गई वहीं से आई, अब तुम ढूंढो। D.H. लॉरेंस इंग्लिश पोएट और विचारक, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, वो पूछने लगा अंकल ये बताइए ये जो पत्ते हैं ये हरे क्यों है। ऐसे प्रश्नों का तो हम फटाक से उत्तर देते, हरे हैं बस हरे हैं खत्म। ऐसे बेवकूफ के और फालतू सवाल मत करो, मैथ्स की स्टडी करो पहले, ऐसे प्रश्न मत पूछा करो उत्पटांग। तो बहुत देर सोचता है, वो सोचता है क्या बताऊं इसको, हरे है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। फिर प्रश्न फिर भी वही रहता है, क्लोरोफिल की हरा क्यों है, फिर ये क्लोरोफिल आया कहां से, प्रश्न तो वही रहेगा। तो वो आखिर में कहता मुझे पता ही नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे पता नहीं, जब पता चलेगा तुझे बताऊंगा।
तो स्वीकार कर लेना कि मुझे पता नहीं, आई नो नॉट. द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज यह है कि मुझे पता नहीं, अब पता करूंगा. थोड़ा सा अहंकार कम कर देना है, थोड़ा थोड़ा भी कर दो तो उन्नति होगी, नहीं तो अकड़ कर बैठा है. तो सातवां लक्षण है ड्राइनेस. आठवां लक्षण वजन कम होने लगता है. कई कई मरीज आते ही कि वजन कम हो गया डॉक्टर साहब, पता नहीं 6 मास में एकदम 8 किलो वजन कम हो गया, कुछ तो है देखो जरा. तो देखते हैं तो शुगर 500. तो डायबिटीज का एक लक्षण है वेट लॉस. इधर वाला जो डायबिटीज है अपना अपना वाला तीव्र पुरुषार्थी वाला, पुरुषार्थी जीवन वाला, उसमें भी वजन कम हो जाता है ज्ञान का, योग का, प्यूरिटी का, तपस्या का, त्याग का, वैराग का. इधर वजन कम हो जाता है, उधर वो वेट लॉस, इधर ड्रास्टिक वेट लॉस, तीव्र गति से, द्युत गति से वेट लॉस. पहले जो पावर थी पवित्रता की, अब कम हो गई. पता नहीं अब बोलते समय जबान लड़खड़ाती है. आज की मुरली में काम महाशत्रु है पर समझे तो ना, आज की मुरली में एक जगह है पर समझते कहां है. तो वो लक्ष्य, उधर लक्षण है वेट लॉस, इधर भी वजन कम. यह है आठवां. उसके बाद है नौवां, पैर सुन होने लगते हैं. उधर डायबिटीज में क्या होता है, पैर सुनपन आ जाता है, पता नहीं चलता. अगर ऐसे बैठे तो थोड़ी देर के बाद इतनी इसमें चीटी आ जाती है कि ये पैर जैसे मर गया. लोग पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब पेशेंट पैर सो जाता है, बैठता हूं तो सुबह उठता हूं तो हाथ सो जाता है, ऐसे लगता है हाथ है ही नहीं. ये पेशेंट के शब्दों में बताया, ऐसे ही बताते वो लोग कि हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है, सुनपन आ जाता है. तीव्र पुरुषार्थी का जो डायबिटीज है और अहंकार का, उसमें दिमाग ही सुन हो जाता है. फिर वो मुरली में कोई कुछ दिखाई नहीं देता है, मुरली सुन रहे हैं परंतु सुन हो गया है इंटेलेक्ट. योग कर रहा है परंतु एक निद्रा में ही है. ऐसी अगर स्थिति है, इमरजेंसी है, फिर ये तुरंत इलाज की आवश्यकता है. कहीं हम सुन तो नहीं हो गए, सुन सुन के. और एक ही चीज अगर लंबा समय वही सुनी जाए तो सुन हो जाते. जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है, एक पहली बार गीत सुना, भगवान हमारा साथी, आंखों से आंसू आ गए. ऐसा लोग अनुभव सुनाते. एक साल से सोचा अब यही गीत है सबसे अच्छा, एक साल तक सुन रहा, सुनते रहे, आपको यह असर होना ही बंद हो गया. पहले वो दिन कैसे थे, आहा, पहली बार सुना था भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग चलते हैं, भगवान अब भी साथी और अब भी उसके संग संग है, परंतु आंसू नहीं है अब कोई असर ही नहीं हो रहा है. तो सुन हो जाना, अपने आप को चेक करना है कि कहां मैं सुन हो गया हूं, चेतना कहां सुन हो गई है, अर्थात अप्रभावित रह रही है. मधुबन में आए, यहां जो यहां रहते हैं लंबा समय से, उनके साथ भी ऐसा होता है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा समय एक जगह रहो तो उस स्थान का महत्व कम हो जाता है. तो अपने आप को समझना कि मैं यहां का नहीं हूं, अभी आया हूं, एंट्री कर रहा हूं मधुबन में. मंजूबेन, अपने कमरे से मधुबन में मुझे जाना है, चार धाम की यात्रा आज मैं करूंगा. ठीक है ना, आज ही आए, बहुत ही नया नया है सब. इस तरह का एक ये हो तो वो सुनपन नहीं आएगा, नवीनता लाना है. लास्ट, ब्लरी विजन, दिखना कम हो जाता है, आंखों पे रटाइना पे असर हो जाता है डायबिटिक पेशेंट को. कभी कभी पेशेंट आता ही उसके साथ है ब्लाइंडनेस, सुबह दिख रहा था अभी कुछ नहीं दिख रहा है, डॉक्टर साहब कुछ करो, क्या हो गया पता नहीं. सडन ब्लाइंडनेस, सडन भी होता है कभी ग्रेजुअल होता है, धुंधला सा दिखता है, बोर्ड पर दिखता नहीं क्या लिखा हुआ है. तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के जीवन में जब ये अहंकार की शुगर बढ़ जाती है तो यहां पर भी श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता है. नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता है. और सहज सहज तोड़ते जाती है.
पता है ये करना नहीं चाहिए फिर भी करती है, अंदर से कोई कह रहा है नहीं करो नहीं करो नहीं करो, पर बाहर का फोर्स और पैशन और वासना इतनी प्रगाढ़ है कि खींच रही है और जबरदस्ती करता है और फिर पश्चाताप करता है, दुख करता है। ये स्थिति मधुमेह की स्थिति है। तो ऐसे ये कितने हुए, 10। तो डायबिटीज भी पक्का हो गया ना, ये तो छोड़ो स्पिरिचुअल, वो तो पता चल गया। तो ऐसे 10 लक्षण है। सबसे पहला बताया पॉलीफेजिया, बहुत भूख लगना। दूसरा बताया, इसमें से अगर किसी को कुछ हो रहा है तो आज ही जाके चेक कर लेना शुगर। हाँ तो आज शिविर है। दूसरा बताया पॉलीडिप्सिया, बहुत प्यास लगना, क्योंकि यूरिन बहुत पास करता है पेशेंट, पेशाब बहुत होती है तो प्यास भी बहुत लगती है। तीन तीन चार चार छह छह लीटर पीते जाता है, पीते जाता है, पीते जाता है, फिर भी प्यास बुझती नहीं है, वो डायबिटीज की निशानी है। जो पेशेंट होगा उसको लगती है अगर शुगर हो गया तो। उसके बाद में यूरिन, पॉली यूरिया, बहुत पेशाब अत्यधिक, तीन तीन चार चार लीटर। उसके बाद बताया चौथा थकान, थकान होती है, एनर्जी लेवल कम हो गया। पहले इतना भाग भाग के सेवा करता था, करती थी, अब पता नहीं, पहले तो चार गीता पाठशाला में जाते थे, अब पता नहीं एक ही में पूरा निढाल हो जाते। पावर कम हो गई है, स्टेमिना कम हो गया है। नेक्स्ट, घाव ही नहीं भरते, ऐसे घाव दिए तूने, क्यों दिए? अपमान का भाव। किसी ने टॉन्ट क्या कर दिया 10 साल पहले, अभी तक याद है, जब भी उसको देखते पहले वो याद आता है कि इसने मुझे ये कहा था, अब तक माफ नहीं किया उसको, उसकी बात को ऐसे पकड़ के रखा है। जैसे वो दिखाया है पति पत्नी है, वो एक बार एक पार्टी में जाते हैं, पति पहली बार वहां बहुत शराब पी लेता है, वो फिर वापस घर आते हैं, पति कहता है मुझे माफ कर दो, पत्नी कहती है नहीं मैं तुमको माफ नहीं करने वाली, पर बहुत दिनों तक वो माफी मांगता है और फिर उसको माफ कर देती है, पर पूरा जीवन भर उसको बताती रहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया था, मैंने तुम्हें माफ किया था, ये मत भूलना तुम, ये भूलना मत। तो वो घाव रह जाते, इसलिए तो दुखी रहते एक दूसरे से लोग, पति पत्नी से भी। उस दिन भी बताया था ना, एक पति पत्नी एक होटल में जाते हैं पांचवें माले में, और वो पति नीचे फोन करता है, मैनेजर जल्दी आओ मेरी पत्नी खुदकुशी कर रही है खिड़की से कूद कर। वो कहता है पत्नी खुदकुशी कर रही है, इसमें ये आपका वैयक्तिक प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो कहता है वैयक्तिक नहीं, खिड़की खुल नहीं रही है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। कीटाणु तो वायु में ही है, काम विकार वायु में घूम रहा है, उसके बैक्टीरिया उसके वायरस कब इन्फेक्ट कर दे पता नहीं। और वो जो घाव भी होगा, वो जो इन्फेक्शन होगा, आईसीयू लगेगा और हायर एंटीबायोटिक्स लगेंगे, छोटे मोटे दवाइयां काम नहीं करेगी उसमें, हाई डोजेस के एंटीबायोटिक्स लगते हैं जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा घाव। तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा, अहंकार जितना ज्यादा इन्फेक्शन उतने ज्यादा। नेक्स्ट, ड्राइनेस, जीवन ही खुश्क हो गया है, सूखा सूखा हो गया है, रूखा हो गया है, पतझड़, कहां वो हरियाली, कहां वो गुलजार, कहां वो बहार, सब कहां गुम हो गया, पता ही नहीं चला कब। नेक्स्ट, वेट लॉस, वजन कम हो रहा है, पहले बड़े पावरफुल थे, योगी तपस्वी थे, अभी योग का तो पता ही नहीं, गई सेवा में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए कि योग भी कुछ होता है, बैठकर भी योग और आश्चर्य अवस्था भी कुछ होती है, और ज्ञान का भी चिंतन होता है, और ज्ञान का भी बैठ के डिस्कशन किया जाता है, ये तो जैसे किताबी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट, पैर सुन, यहां चेतना सुन हो रही है, सुन सुन के, क्योंकि नवीनता नहीं है कुछ। नेक्स्ट, कई लोग कहते हैं हम इतने क्लासेस सुनते हैं, इतने क्लासेस, एक एक दिन में तीन तीन क्लासेस, अरे पर किसने कहा क्लासेस तीन तीन सुनने को और चार चार सुनने को? सुनना कम है, चिंतन ज्यादा करना है, खाली सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एक बहन कहती है मैं एक ही क्लास तीन बार सुनती हूं, अरे तीन बार सुन के कुछ नहीं बोला, स्टॉप पहले तो बंद कर दो, अभी उसका इलाज ही है। अब सोचो, चिंतन करो, थोड़ा पढ़ो या सुनो,
चिंतन उसे डबल करना है। नेक्स्ट, ब्लरी विजन दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आए किस लिए थे और कर क्या रहे, ब्राह्मण बने किस लिए थे और अब क्या कर रहे, सेवाओं के जंगल में ऐसे खो गए हैं कि त्याग और तपस्या और वैराग खो गया और सेवाओं में टकराव है, संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, मनमुटाव है। इसके लिए आज दो दिन है, वो चिल्ड्रंस डे तो मीठा तो बनना है, मीठे बच्चे तो बनना है, पवित्रता की मिठास, पर ये जो वर्ल्ड डायबिटिक डे में ये जो अहंकार का डायबिटीज है उसको इंसुलिन कंट्रोल मिलाना है उसको निमित्त भाव से। ओम शांति।